हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने पेन ड्राइव पासवर्ड लगा सकते हैं और विदाउट सॉफ्टवेयर, मतलब बिना सॉफ्टवेयर के आप अपनी पेन ड्राइव को पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे अपने कंप्यूटर पर। तो पेन ड्राइव में इसे मैं लगा दिया हुआ है। ये देखिए, मेरी पेन ड्राइव आ गई है। ये देखिए, अभी इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा। देखिए, मैं इसको ओपन कर दिखा दे रहा हूँ, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। आप इसको बैक कर लीजिए। और इसमें अगर पासवर्ड लगाना हो तो इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड ये नीचे दे रहा है आपको टर्न ऑन बिट लॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक दी डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप पासवर्ड में डाल देंगे, पासवर्ड अपना वो ही बनाएंगे, क्या नाम है, जैसे कि कैपिटल लोअर में हो गया, न्यूमेरिकल नंबर वो हो गया, जो भी हो गया, आप उस तरह पासवर्ड बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको अगली हमारी वीडियो मिलती रहे। तो आप पासवर्ड डाल लेंगे, जो भी आप पासवर्ड बनाना है आपको पास। पासवर्ड ने बना लिया है, इस पर आप इसके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि अगर फॉरगेट करना हो, पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट करना हो, तो आपको ये फाइल को देकर रिकवरी करने के लिए आप चाहे तो सेव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, या फाइल सेव कर सकते कहीं और डिवाइस वगैरह में, या आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं इसको फाइल को सिंपल सेव कर देता हूँ, कहीं डेस्कटॉप पर मैं सेव कर लेता हूँ कि मुझे पता रहे फाइल कहाँ पर है। तो फाइल को मैंने सेव कर ली। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, तो आप सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दे रहा है यूज डिवाइस, मतलब यूज डिस्क स्पेस, आप जो यूज करें उसी में स्पेस लगाना है उसी, हाँ आप उसी पर क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे आपको देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग होने लगा है, जैसे आपको प्रोसेसिंग हो जाएगा आपका पासवर्ड में लग जाएगा। ओके, ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसको आप क्लोज कर देंगे और अपने एक बार अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी से रिमूव करेंगे। उसके बाद आप फिर से अपने पीसी पे अपना पेन ड्राइव को लगाएंगे, तो ये देखिए आपको देने लगा है, ऊपर आके आ गया है दिस डिवाइस इज बिट लॉकर प्रोटेक्ट, मतलब ये आपकी पेन ड्राइव को उसने प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपकी ये पेन ड्राइव ओपन नहीं होगी, आपका पेन ड्राइव में पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, जो आपने वही पासवर्ड बनाया हुआ है आपको उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। तो आप पासवर्ड डाल दीजिए सिंपल सा, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद मैंने कर लिया है अनलॉक। अनलॉक करने के बाद ये देखिए आपके पेन ड्राइव अब खुल जाएगी, आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो देखिए आपकी पेन ड्राइव खुल जाएगी, आपको उसमें जो भी डाटा वो दिखने लगेगा। ओके, आपकी पेन ड्राइव खुल गई है। और यदि आपको अपनी पेन ड्राइव से पासवर्ड हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करें, आपको अपनी पेन ड्राइव से पासवर्ड हटाने के लिए आप अपने पेन ड्राइव पर जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको दे रहा होगा, ये दे रहा है मैनेज बिट लॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। और ये देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए आपको नीचे दे रहा है, यहाँ पे आपके पेन ड्राइव यहाँ आपको शो कर जाए, देखिए लास्ट में ऑप्शन आएंगे आप टर्न ऑफ बिट लॉकर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इन एंड टर्न ऑफ बिट लॉकर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी पेन ड्राइव अनलॉक हो जाएगी, पासवर्ड आपका रिमूव हो जाएगा, आपका जो पासवर्ड लगाया हुआ है वो पासवर्ड आपका अपने पेन ड्राइव से हट जाएगा। थोड़ा वेट करिए, जैसे ये हो जाता है प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो आपका पेन ड्राइव का पासवर्ड हट जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ये देखिए हो गया है कम्प्लीट, तो इसको आप क्लोज़ कर देंगे। आप ये इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये देखिए आपके जो पेन ड्राइव में ताला लॉक बना हुआ था वो हट गया है, मतलब कि आपकी पेन ड्राइव अब ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये ओपन हो रही है, आपको देखना है तो आप अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी से हटाएंगे एंड इसको दोबारा आप लगाएंगे अपनी पेन ड्राइव को पीसी में। तो ये देखिए कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, कोई प्रोटेक्ट का मैसेज नहीं आया हुआ है, आप ओपन करेंगे आपकी पेन ड्राइव ओपन हो जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें और बाकी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।